मैं जब्बर सरोज, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी, दिल्ली प्रदेश सचिव। आपका नाम? सुशीला देवी। सुशीला देवी जी, ये कौन सी जगह है? बापू धाम चाणक्यपुरी। अच्छा, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी ने एक मुद्दा उठा रखा है, दिल्ली के अंदर बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बनाना है, आपकी क्या राय? सर, हमें रोजी रोजगार मिल जाए और रहने का ठिकाना मिल जाए। मेरे बच्चे तीन तीन चार चार दिन के फाके काट रहे, तो हमारी नौकरी का मतलब ही क्या हुआ जब हम ऐसे ही मर जाएंगे तो भूखे प्यासे, ना हमारे को खाने को है ना पहनने को। हम नंगे पैर है तो नंगे सही, पटे में तो पटे सही, हमारा अन्न का दाना पेट में नहीं जाता। आप क्या सरकारी नौकरी करती थी पहले? कौन करता था आपके घर में? इसके पापा करते थे। अच्छा, NDMC में। हाँ। तो NDMC वालों ने उनको, उनके बदले आपको नौकरी नहीं दी? अभी तक नहीं दी, बस 8-8 महीने की सेक्शन कराई। अच्छा, NDMC में क्या थे आपके? वो सीवरमैन थे। सीवरमैन? हाँ, मेरे को तो बस झाड़ू वालों से ही मैंने सेक्शन कर लिया। अच्छा। एक 90 दिन की करी थी एक बार, और 8-8 महीने। कितने साल हो गए उनके गुजरे हुए? 8 साल हो गए। 8 साल? 2016 में खत्म हुए थे ना। अच्छा। हाँ, तो 8 साल से आप लोग, आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं, दफ्तर में जाते बात भी नहीं करते, सीधे मुंह अप्लीकेशन मैंने लगा ली, सर मुझे कोई सेक्शन ही दे दो, मिस्ड कॉल दे दो। बहुत हाथ मिलती जोड़ी, यहाँ तो लोग आपस में भी ऐसा एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, लाइट नहीं दे सकते, कुछ नहीं, अंधेरे में पड़े रहो, गर्मी में जैसे हो खड़े रहो। नहीं तो जो आपको मकान अलॉट किया था, क्या उसकी लाइट भी काट दी गई है? हाँ, सब कुछ कटा हुआ। 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो यह आपने कुछ मुख्यमंत्री वगैरह को लिख के नहीं दिया? मैं क्या जानू, ऐसा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आता, ये केंद्र सरकार में के उसमें आता है, तो आप सरकार को भी लिख। झाड़ू वाले के पास भी गई हूँ। अच्छा। अप्लीकेशन लेके भी गई थी और वो भी लेके गई थी, ये सेक्शन के बारे में गई। अच्छा। वो तो मुँह से छोड़ बात भी नहीं करते, पूछ भी नहीं है वहाँ, तो उनके वो चमचे जो POV वो क्या है, वो चौकीदार वगैरह वो ही बातें करते रहते, अभी आ रहे। मैंने तो जाना ही छोड़। ऐसा है, आपका जो मुद्दा है इसको राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी उठाएगी, और आपको जो भी इंसाफ है वो राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी आपको इंसाफ दिलाएगी। तो राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी गरीबों के साथ हमेशा तैयार है। जो दिल्ली के अंदर NDMC डिपार्टमेंट, देखिए ये एक महिला हैं सुशीला देवी जी, जिनके आदमी को मरे 8 साल हो गए, इन इधर उधर भटक रही हैं, NDMC के दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, और इनको नौकरी अभी तक नहीं मिले, 8 साल हो गए, और इनको इतनी परेशानी हो रही है कि इनके घर की बिजली तक काट दी गई है। तो प्रशासन से राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी ये आग्रह करती है कि इनकी नौकरी लगाई जाए, और कम से कम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको घर की बिजली और पानी का साधन करें ताकि इन लोगों का गुजर बसर हो सके। और राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी NDMC के डिपार्टमेंट से ये मांग करती है, और केंद्र से भी मांग करती है कि इन महिला को जल्द से जल्द नौकरी पे लिया जाए। मैं जब्बर सरोज, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी, दिल्ली प्रदेश सचिव।